हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस। और आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है, बिकॉज कई महीनों से हम देख रहे थे यूक्रेन और रसिया में जो तनावपूर्ण स्थिति थी, वह आज 24 फेब को अभी आपको पता ही चल गया होगा सोशल मीडिया के द्वारा और न्यूज चैनल्स के द्वारा कि फाइट वहां पर स्टार्ट हो चुकी है। और ये बहुत ही दुख का विषय है कि हम ये दोनों देश पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पे दो बड़े बड़े वर्ल्ड वार हो चुके हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड, और ये कहीं थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। इसलिए ये वीडियो में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और ये वीडियो में इसलिए मैं अपनी वीडियो बनाई है कि इससे आपको ये पता चले कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, ये किस चीज की लड़ाई है, वर्तमान समय में मानवता के दुश्मन क्यों बन गए हैं दो देश, रसिया और यूक्रेन। तो इसको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही मेरे माध्यम के द्वारा बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे कि ये लड़ाई के मुख्य कारण क्या है। तो जैसे कि मैं इस मैप के द्वारा बता सकता हूं कि ये रूस है और हम इस समय यहां रहते हैं, और ये हमारी और रशिया की जो दूरी है 4000 किलोमीटर है। और इस इतने बड़े देश जिसको पहले सोवियत संघ, आज भी सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है रशिया, पूरी अगर पृथ्वी पर बात की जाए तो तीन देश बहुत बड़े इस समय इंडिया से ज्यादा अगर शक्ति को रखते हैं तो तीन देश नाम आते हैं, जिनमें यूएसए, अमेरिका, रशिया और हमारा चाइना। ये तीन देश हैं जो आपस में इनके अंदर प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कौन शक्तिशाली है। इसी जो युद्ध के तीन कारण होते हैं कि व्यक्ति क्यों लड़ रहा है, तो उसमें मैं बताता हूं। रशिया इतना बड़ा देश है, और अगर हम पास्ट में जाएं तो आज 24 फेब को मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज ये युद्ध यूक्रेन और रशिया का सोवियत संघ स्टार्ट हुआ है। तो यूक्रेन जो है वो अगर हम पास्ट में जाएं तो 1917 में ये यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा था, लेकिन यूक्रेन ने हमेशा रशिया के से अलग होने के लिए लड़ाई लड़ता रहा है यूक्रेन। तो उसने ये जो देश है ये डिवाइड हो गया, और ये यूक्रेन रशिया से निकल के 1920 में एक अलग कंट्री बन गया था 1917 में, लेकिन 20 में जाकर रशिया ने इसे फिर एक अपने अंदर जोड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, 1951 में 15 कंट्रीज रूस से अलग हो गए, सोवियत संघ से अलग हो गए, और एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। तो ये 15 देशों में से एक है यूक्रेन, जो आप देख सकते हैं यहां पर, ये छोटा सा देश, मैंने ब्लैक मार्क लगाया है, ये छोटा सा देश है जो यूक्रेन है, और जो इसकी और रशिया की जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो 450 किलोमीटर की है। अब यूक्रेन इतना छोटा सा देश, चुल्लू सा देश, इतने बड़े देश से क्यों टक्कर ले रहा है? तो उसके लिए, इसके लिए बात है कि स्वाभिमान, जिस देश के लोग स्वाभिमानी होते हैं वो बड़े से बड़ी शक्ति से भी नहीं डरते, और मुझे लगता है कि यूक्रेन एक स्वाभिमान से भरा हुआ देश है। वो इतना डेवलप हो चुका है कि वो छोटा सा होने की के बाद भी उसके पास अगर देखी जाए तो जो रशिया की पावर है उससे 20% पावर तो वो भी रखता है यूक्रेन। जैसे कि हम अगर बात करें टैंकर्स के बारे में, बात करें मिलिट्री के बारे में बात करें, तो इसकी जो सेना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ये यूक्रेन है और ये रसिया है, आर फॉर रसिया, यू फॉर यूक्रेन। तो इसकी जो मिलिट्री है वो 11 लाख है। कितनी है? 11 लाख यूक्रेन की। और जो रसिया की मिलिट्री पावर है वो 29 लाख है। देखने में आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2/3 का डिफरेंस है। तो ये 11 लाख है, ये है। इसी प्रकार से अगर हम फाइटर प्लेन की बात करें तो हमारा फाइटर प्लेन जो है यूक्रेन में लगभग 98 ही है, जो बहुत कम है, लेकिन इसके पास जो है फाइटर प्लेन 1511 फाइटर प्लेन है, वो 10 टाइम्स ज्यादा है रशिया के पास। अगर हम टैंक की बात करें तो लगभग 259 टैंक्स हमारे यूक्रेन के पास है, और इसके पास जो है वो 1225 लगभग 1250 टैंक है रशिया के। तो रशिया पावरफुल है, इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन पे दबाव डाले। दबाव किस चीज का, लड़ाई किस चीज की है? मेन मूल कारण है नेटो,
नाटो नाटो सुन के आपके कान पक गए होंगे कई दिन से। तो वो क्या है, ये जो नाटो होता है, ये दिस इज ए ग्रुप ऑफ 30 कंट्रीज। नाटो ये जो है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक जिसमें 30 देश है, जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये ब्रिटेन, ये देश इसमें नाटो में आते हैं। और ये देश का एक सैन्य संगठन एक साथ चलता है। तो यूक्रेन चाहता है अगर वो नाटो में सम्मिलित हो जाता है तो रशिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि रशिया के लिए यूक्रेन जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने यूक्रेन की जमीन इस्तेमाल की थी, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। और आप जैसे चाइना को देखते हैं, चाइना ने तिब्बत पे भी अपना सोल मालिक हो गया है, चाइना नेपाल के गांव में कब्जा कर लिया है, चाइना म्यांमार को आंख दिखा रहा है, वो लूटने के लिए सोच रहा है। तो जो बड़े देश हैं पावर दिखा के छोटे छोटे देशों को धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। इसे वो बोलते हैं कि जो पॉलिसी है विस्तारवाद नीति, जिसका इंडिया हमेशा विरोध करता है। हमारी जो सरकार है, हमारे जो पहले भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमारे देश का रिकॉर्ड है, हमने कभी किसी देश पे छोटे देश पे अकॉर्ड नहीं किया। और कोई देश तो होता इंडिया जैसा बड़ा देश तो नेपाल, बर्मा, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको अभी तक अपने अंदर मिला लिया होता, लेकिन नहीं, हमारा देश ऐसा नहीं करता है। तो अब मेन सबकी नजर भारत पे भी बनी हुई है कि भारत किसकी तरफ जाएगा, लेकिन भारत ऐसा देश है, भारत शांति प्रिय देश है, भारत मानवता का पुजारी है, वो किसी की तरफ नहीं जाएगा, वो देखेगा वेट एंड वॉच चल क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि भारत पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, अगर ये युद्ध चलता रहता है लंबे समय तक या तृतीय विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाता है, तो इसका भारत में नुकसान होगा, क्योंकि भारत जो है इतना फ्यूल्स खरीदता है, इतना गैस खरीदता है, उस पर महंगी हो जाएगी यहाँ पे चीजें। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अभी जो है 98 ट्रिलियन जो है सनफ्लावर खरीदा था यूक्रेन से भारत ने पिछले साल कोविड टाइम में, और वो जो उसका जो खरीदारी हुई थी उसका 74% सिर्फ यूक्रेन से लिया था सनफ्लावर। तो सोचो अगर यूक्रेन पे ऐसा होता है तो कितना नुकसान होगा। दूसरा विषय, अगर यूक्रेन पे हमला हो गया है जैसे और नुकसान होता है, तो हमारे 15,000 लोग वहां पे फंसे हुए हैं, जिनमें स्टूडेंट है 90%, जो वहां मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही दुख का विषय है। अब मैं बता रहा था आपको, यूक्रेन जो है 1951 में रशिया से अलग हो गया, सोवियत संघ से, तो इंडिपेंडेंट देश बन गया। तो वहां के लोग स्वाभिमानी हो गए कि हम तो अपने आप ही स्वतंत्र है, वो क्यों चाहेंगे किसी की अधीनता, क्यों गुलामी चाहेंगे। तो यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो कह रहे हम मर जाएंगे लेकिन हम आपको गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसमें मेन चीज है, यूक्रेन अगर नाटो में मेंबरशिप ले लेता है तो नाटो के जो 30 देशों की फौज है वो यूक्रेन के साथ लड़ेगी, तो यूक्रेन फिर हारेगा नहीं, तो ये नहीं चाहता रशिया। दूसरा जो रशिया है, रशिया के लिए प्लस पॉइंट ये क्या हुआ है, वहां पे जो है चाइना में आपको पता ही होगा बीजिंग में जो है ओलंपिक स्टार्ट हो गया है, तो वहां पे जो है रूस के पुतिन साहब जो है वहां गए थे और वहां पे जो इन्होंने चाइना के राष्ट्रपति से सेटिंग कर ली है, जिससे कि रशिया को चाइना का पूरा सपोर्ट मिल चुका है। अब जो है रशिया में दम आ गया, रशिया ने इसलिए फाइट स्टार्ट कर दी 24 फरवरी को। अब ये यूक्रेन जो है, यूक्रेन को अमेरिका डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्ट कर रहा है, वो वेट एंड वॉच कर रहा है, लेकिन पीछे से कह रहा हाँ हाँ लड़ बेटा लड़, हम भी तेरे साथ हैं, लेकिन वो सामने से लड़ाई नहीं कर रहा, बस उसको वेपन्स दे रहा है। और मजे की बात क्या है, हम तो किसी से लड़ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें तो अपना डेवलपिंग कंट्री है, हमें तो अपना विकास प्रिय देश है, हम तो विकास करना है अभी। हम सारे वेपन्स जो है उनका 80% वेपन्स तो हम रशिया से खरीदते हैं, पहले से खरीदते आ रहे हैं, तो हम रशिया के अगेंस्ट भी जाएंगे, अमेरिका के भी, क्योंकि हम दोनों से आजकल जो है वेपन्स ले रहे हैं। और अब ये मेरा जो है बताने का तरीका यही था कि ये सब लड़ाई चल रही है। अब एक मजे की बात बताता हूँ, एक थे व्लादिमीर लेनिन, ही वाज ए फ्रीडम फाइटर ऑफ सोवियत संघ के, फ्रीडम फाइटर बहुत बड़े। तो इन्होंने कहा था एक बार कि अगर यूक्रेन जो है रशिया के लिए इतना जरूरी है जितना इस शरीर के लिए सिर जरूरी होता है, कि रशिया के लिए यूक्रेन इतना जरूरी है, क्योंकि रशिया यूक्रेन को अगर खो देता है तो समझो फिर वो हमेशा के लिए इन नाटो देशों का और अमेरिका से
का जो दबाव है रशिया पे बनता चला जाएगा और एक तरह से रशिया बहुत ही कमजोर होता चला जाएगा, इसलिए वो यूक्रेन को जो है अपने अंदर नाटो का सदस्य बनने से रोक रहा है। तो ये लड़ाई का मेन कारण है कि नाटो की मेंबरशिप रशिया नहीं चाहता है यूक्रेन को दिलवाना या देना, उसका दबाव है। अब ये फाइट चलेगी और मजे की बात यह है कि रशिया ने जो है यहाँ पे ब्लैक सी का क्षेत्र है, काला समुद्र, तो ब्लैक सी में अपने जो सबमरीन छोड़ दिए हैं वहां पे भी, और अभी मैंने न्यूज देखी है कि यूक्रेन पे उसने फाइट चालू कर दी है और 7-8 फाइटर प्लेन उनके उड़ा दिए हैं। तो युद्ध का आगाज हो चुका है, अब देखना यह होगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। और मैं यही ईश्वर से चाहूंगा, भगवान सभी देशों को सद्बुद्धि दे, इनके जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ताकि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोक दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।